राम का रूप है। और आपने दूसरी बात जटायु की बात कही है, जटायु का टीला है, जटायु की तस्वीर का अनावरण कर रहे हैं तो उस प्रतिमा का ये देखिए कितनी भव्य ये मूर्ति है। और निश्चित तौर पर जटायु धूमराज जटायु आज भी याद किए जाएंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जानते थे कि वो महाबली रावण के खिलाफ युद्ध नहीं जीत पाएंगे उनके खिलाफ, उसके बावजूद यहाँ उन्होंने तुलसीदास जी का हमें जिक्र करता जरूरी है जो उन्होंने जटायु और विराजित थे। और ये कुबेर टीले पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, ये जो पूजा अर्चना का काम जो पूजा अर्चना जो कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपसे अयोध्या धाम में बहुत बड़ा महत्व है जो आपने कहा कि श्री राम ही नहीं बल्कि बहुत सारे देवी देवता विराजमान जी। इसका एक बहुत अलग महत्व ये भी है कि ये ऐसा माना जाता है इस कुबेर के टीला के बारे में कि जब राम जी यहाँ पर खेलते थे, जब राम जी यहाँ पर रहते थे तब भी ये मौजूद था। और उसके बाद इस कुबेर के टीले पे महादेव का तो मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है राम मंदिर ट्रस्ट ने, बल्कि यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है, माता पार्वती की प्रतिमा है, कार्तिकेय जी, नंदी जी, कुबेर जी स्वयं यहाँ पर, और नौ देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस कुबेर के टीले का बड़ा ही महत्व है। पुरातन काल में भी जब भव्य राम मंदिर हुआ करता था पहले, तो उस दौर में भी जो है कुबेर के टीले का एक खास महत्व था और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। और इसी कुबेर के टीले पर जटायु राज जी भी एक विशाल प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आपने दो बातें कही उनको मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक तो आपने कहा कि भगवान राम की जो प्रतिमा है ये सौम्यता और विनय भी दर्शाती है, और भगवान राम का जो चरित्र है वो उदात्त है, सौम्य है, दिव्य है, भव्य है और पराक्रमी भी है। बिल्कुल, तो जो सौम्यता और पराक्रम का अद्वितीय रूप है वो भगवान ये दिव्य तस्वीरें ये भी कही जाएंगी, क्योंकि ये जो श्रमिक पत्थर है जो ये जी ये श्रमिक है, ये वो श्रम साध्य लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में